ओके हाय अगेन। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग यूज़ किया था एलसीएस का, राइट? हम लोगों शॉर्टेस्ट सुपर सिक्वेंस निकाली थी, हम लोगों ने एन प्लस एम माइनस एलसीएस किया था, शॉर्टेस्ट सुपर सिक्वेंस निकाला था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, हमने एलसीएस का काफ़ी बढ़िया यूज़ किया था। वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, राइट? अगर पिछला वाला वीडियो देखना है तो इससे जस्ट ऊपर मिलेगा तुमको प्ले लिस्ट में, शॉर्टेस्ट सुपर सिक्वेंस के नाम से। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों ने एलसीएस का यूज़ किया था। वैसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन को मैं रीड कर लेता हूँ पहले। मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन ऑफ डिलीशन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग ए टू बी। तो अपने को दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, एक स्ट्रिंग ए दे रखी है, एक स्ट्रिंग बी दे रखी है। तो अपने को कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है, और अपने को ए स्ट्रिंग को बी में कन्वर्ट करना है, ठीक है? तो अपना फ्लो क्या रहेगा पढ़ने का? अपना फ्लो ये रहेगा, पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट पूछ रहे हैं। उसके बाद अपन देखेंगे हाउ टू थिंक इफ वी शुड अप्लाई एलसीएस, राइट? मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसमें एलसीएस लगाना है, कैसे सोचें कि एलसीएस का क्वेश्चन है कि एलसीएस का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है? फिर अपन इसको रिलेट करके देखेंगे एलसीएस के साथ, फिर अपन कोड का वेरिएशन देखेंगे। एज यूजुअल कोड का वेरिएशन कुछ खास नहीं हुआ, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं हुआ। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अपने को एक स्ट्रिंग दी रखी ए, उस स्ट्रिंग को अपने को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग बी में, ओके? क्या करना है, स्ट्रिंग ए को स्ट्रिंग बी में कन्वर्ट करना है। तो अपने को क्या करना है, स्ट्रिंग ए दे रखा है हीप, स्ट्रिंग बी दे रखा है पी, ठीक है? सो ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपन दो ऑपरेशन दे रखे हैं, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है? अगर इसमें रिप्लेस और हो जाता, अगर रिप्लेस और बढ़ जाता, तीन ऑपरेशन देते, तो ये फेमस क्वेश्चन बन जाता है एडिट डिस्टेंस का, राइट? पर लेट्स नॉट डिस्कस दैट नाउ। तो अभी दो ऑपरेशन दे रखे हैं, अगर तीन ऑपरेशन होते तो वो एडिट डिस्टेंस वाला फेमस क्वेश्चन बन जाता। खैर, जब एडिट डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी इंसर्ट और डिलीट दो ऑपरेशन दे रखे हैं, तो बेसिकली अपने को इसमें से कुछ इंसर्ट करना है, कुछ डिलीट करना है। इंसर्ट और डिलीट केवल अलाउ है, तो अपने को क्या चाहिए, सबसे पहले तो अपने को पी चाहिए। तो लेट्स से मैंने क्या बोला, मेरे को पी चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले पी चाहिए, तो मैंने पी इंसर्ट कर दिया। मेरे को देख रहा है मेरे को ई चाहिए, ए चाहिए, ई ए तो है, तो अगर मैं एच और पी हटा दूँ तो मेरे को ये पी मिल जाएगा, तो मैंने एच और पी को डिलीट कर दिया। तो बेसिकली क्या करा मैंने, यहाँ पर क्या बचा, पी ई और ए बन गई स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग बी की थी पी। बेसिकली मैंने एक इंसर्शन किया, इंसर्शन क्या करा मैंने, पी को इंसर्ट करा यहाँ पर, राइट? इंसर्शन एक है, और डिलीशन कितने करे मैंने, एच को हटाया और पी को हटाया, तो डिलीशन दो करे। तो इसके आंसर में मैंने हीप को पी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक इंसर्शन किया पी का, और एच हटाया और पी हटाया, तो ये पी बन गया यहाँ पर भी। तो एक इंसर्शन, दो डिलीशन, राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया, यही अपने को आउटपुट में देना है, नंबर ऑफ इंसर्शन एंड नंबर ऑफ डिलीशन, ठीक है? मे भी ऐसा दे रखा होगा कि स्पेस के साथ इंसर्शन और डिलीशन स्पेस के साथ एक सिंगल लाइन में आउटपुट में दो, ऐसा दे रखा होगा, ऐसा करेंगे अपन, ठीक है? आउटपुट में वन और टू प्रिंट कराना है, ठीक है? अब हुआ क्या बेसिकली, अच्छा पहली बात तो अपन ये देख लेते हैं, हाउ टू थिंक इफ वी शुड अप्लाई एलसीएस और नॉट। तो अपने को अप्लाई करना है एलसीएस की नहीं, अच्छा एलसीएस में कैसे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन एलसीएस का है कि नहीं। बेसिकली पहले तो देखो कि एलसीएस का होने के लिए पहले तो मैंने ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का है कि नहीं है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने तुम दो चीज़ें बताई थी, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है, नैपसैक के वीडियो में मैंने कहीं बताया था शुरुआत में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन में, कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग को क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, चॉइस डायनेमिक प्रोग्रामिंग इंट्रो जाके वीडियो देखो अगर नहीं है, अगर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तुमको। चॉइस होगी या तो कुछ ऑप्टिमल पूछ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ चॉइस तो कुछ नहीं है, पर यहाँ ऑप्टिमल पूछ रहा है। ऑप्टिमल मतलब क्या है, मिन पूछ रहा हो, मैक्सिमम पूछ रहा हो, लॉन्गेस्ट पूछ रहा हो, शॉर्टेस्ट पूछ रहा हो, राइट? मैक्सिमाइज करने को बोल रहा हो, तो ये सब ऑप्टिमल चीज़ें हैं, मिनिमम मैक्सिमम, या तो ये स्केल है अगर अपने पास, या तो स्केल के एकदम हाइएस्ट पॉइंट पर कुछ पूछ रहा हो, या तो एकदम लोएस्ट पॉइंट पर कुछ पूछ रहा हो, इसे बोलते हैं अपने ऑप्टिमल चीज़ें हैं, ये दोनों ऑप्टिमल पॉइंट है, राइट? तो ऑप्टिमल करने को कुछ पूछ रहा हो, तो अब क्या ऐसा पूछ रहा है क्या, हाँ पूछ रहा है, यहाँ मिनिमम नंबर पूछ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली ऑप्टिमल करने को तो बोल रहा है, तो ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो सकती है, ठीक है? तो डीपी की क्वेश्चन है। अब एलसीएस है कि नहीं है,
एलसीए से मैंने क्या बोला, जब भी तुम्हें डीपी में, मैंने तुम्हें दो चीज़ें बताई थी, पहले तुम्हें बताया मैंने नैपसैक, नैपसैक में तुम्हें क्या बताया, नैपसैक में जब भी तुम्हें दो एरे और एक कुछ कैपेसिटी दे रखी हो तो ये नैपसैक पैटर्न है। दो एरे भी नहीं, अगर एक ही एरे दे रखा हो आइटम एरे तो वही काफ़ी है, एक एरे और एक कैपेसिटी दे रखी है तो वो नैपसैक का पैटर्न बेस्ड है। ऐसे याद कर लो एलसीएस, एलसीएस में क्या है पैटर्न है, एलसीएस में अपने को दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी ए और बी। जब भी अपने को इनपुट में दो स्ट्रिंग दे रखी हो, कुछ भी ऑप्टिमल करने को पूछ रहा हो तो समझ जाओ भाई क्वेश्चन कौन सा है, एलसीएस का क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो है ही, ठीक है। सो एलसीएस के इनपुट में क्या था, एलसीएस का इनपुट याद है, एलसीएस के इनपुट में दो स्ट्रिंग थी ए बी, क्वेश्चन क्या था लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस निकालना, आउटपुट में क्या है एक इंटीजर निकालना होता है। इसका क्वेश्चन, इसका इनपुट देखते हैं, इसके इनपुट में क्या दे रखा है, इसके इनपुट में भी दो स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो इनपुट तो एकदम बढ़िया है, ये रहा इनपुट, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा आउटपुट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंसर्शन मिनिमम पूछ रहा है, चलो ठीक है, और आउटपुट में क्या है इंट देना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी दो चीज़ें मैच कर जाएं टू में से क्या चेक करना है अपने को क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, अपने को चेक करना होता है बेसिकली इनपुट फॉर्मेट क्वेश्चन और आउटपुट फॉर्मेट। तो इनपुट फॉर्मेट एलसीएस के केस में क्या होता है, और दिस क्वेश्चन जो अभी अपन कर रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ द इंसर्शन डिलीशन टू कन्वर्ट स्ट्रिंग ए टू बी, ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं उस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी दो इनपुट में क्या है स्ट्रिंग ए दे रखी है, स्ट्रिंग बी दो स्ट्रिंग दे रखी है। इस वाले वाले क्वेश्चन में जो अभी कर रहे हैं अपन, एलसीएस में भी ए और बी दे रखा होता है, इसमें भी ए और बी दो स्ट्रिंग दे रखी होती है। क्वेश्चन में एलसीएस पूछ रहा है, यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन वगैरह पूछ रहा है, आउटपुट में क्या आता है इंट, और यहाँ पर भी एंड मांग रहा है। तो जब भी दो चीज़ें मैच कर जाएं इसमें से, ये और ये मैच कर रही है ना, 2/3 मैचिंग केस आए तो समझ लो एलसीएस कहीं ना कहीं यूज हो सकती है, ठीक है। तो मैंने समझ में आ गया एलसीएस कहीं ना कहीं यूज हो सकती है, पर अब मेरे को कैसे यूज करनी है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई एलसीएस लगेगी, और मेरे को ये भी समझ आ गया एलसीएस यूज हो सकती है, मैंने इसे चेक किया, इसको मैं बोलता हूँ क्या, मैचिंग एल्गोरिथम, पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम टू बी एग्जैक्ट। अपना पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम यूज करो, क्या होता है पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम, इनपुट क्वेश्चन और आउटपुट मैच करो, दो चीजें मैच कर जाएं इसमें से तो मैच है उस पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अब मैं समझ में आ गया, ठीक है एलसीएस पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है फाइन। अब एलसीएस लगेगा किधर, मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई एलसीएस का क्वेश्चन है, चलो बढ़िया बात है, पर इसके बाद अब मेरे को एलसीएस लगाऊं किधर, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे को समझ में आ गया एलसीएस क्वेश्चन है पर लगेगा किधर, मेरे को कहीं समझ में तो नहीं आ रहा, एलसीएस ऐसा कुछ मांग तो नहीं रहा, बोला हीप को पी में कन्वर्ट करना है, तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, मैं पी इंसर्ट कर देता हूँ और एच और पी को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पी बन जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा एक, डिलीशन हो जाएंगे दो। मेरे को इसमें एलसीएस तो कहीं समझ में नहीं आ रहा, ठीक है कहाँ लगाऊँ एलसीएस, थोड़ा सा और सोचते हैं अपन दिमाग लगा के। यहाँ पर पी आ गया नया, एच और पी हट गया, जो अनटच रहा किसी ने, मतलब जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ वो क्या था, अपने पास ई ए, किसी ने इसको टच करा ही नहीं। अच्छा ई ए में ऐसा क्या खास था कि वो नहीं कटा और एच और पी कट गए, सोचो। और पी तो चलो आ गया न्यू, ये न्यू मेंबर आ गया, ठीक है, पहले से ओल्ड मेंबर में से ई ए में ऐसा क्या खास था कि उसको अपन ने नहीं काटा, और एच ओ पी से क्या अपनी राइवलरी थी जो अपन ने इसको काट दिया। यहां देखें अगर, अच्छा इस वाले में इसमें भी ई है, अरे इसमें भी ई है, तो ऐसा ई ए में क्या स्पेशल है, कुछ स्पेशल है क्या, हाँ बेसिकली ई ए इन दोनों स्ट्रिंग की लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस है। भाई घूम फिर के लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस पे आ जाना है अपने को, है ना, अपन पढ़ाई हो रहे हैं घूम फिर के यहीं पर आना है, तुम लोग ये मत बोला क्या यार बहाने ढूंढता रहता है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में आने के, है ना। तो ऐसा है, तो अपने पास ही इधर था और पी इधर था, तो एक्चुअली में पी इधर इंसर्ट करा और एच और पी काट दिया, ई ए क्यों नहीं कटा, क्यों, ई ए क्या है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, कुछ इंसर्शन करना है कुछ डिलीशन करना है, और अपने को ए स्ट्रिंग को बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो अभी अपन एलसीएस कहाँ रोल में आ रहा है, एलसीएस कहाँ रोल में आ रहा है, अपने को ए स्ट्रिंग में, ए स्ट्रिंग को बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, एलसीएस का रोल कहाँ है, एलसीएस का रोल ये है कि अपन ए स्ट्रिंग को बी स्ट्रिंग में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करेंगे,
अपन ए स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे वाया एलसीएस, वाया एलसीएस राइट। तो ए स्ट्रिंग को अपन पहले एलसीएस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको बी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या क्वेश्चन अपने लिए इजी हो जाएगा देखते हैं। ए स्ट्रिंग क्या थी अपने पास, ए स्ट्रिंग थी अपने पास हीप, उसको चेंज करना था अपने में अपने को पी में। अपन ने इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस निकाली, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस हीप, और पी में क्या आ रही है ई ए राइट, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस आ रही है ई ए। तो बेसिकली अपने को इसमें ई ए में चेंज करना है और ई ए को इसमें चेंज करना है। तो क्या क्वेश्चन ईजी हो रहा है? अब तुम इंसर्शन और डिलीशन अच्छे से सोच पा रहे हो। हीप को ई ए में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, टू डिलीशन करने पड़े। क्या क्या डिलीशन करने पड़े, एच और पी। फिर ई ए को पी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ा, एक इंसर्शन करना पड़ा, क्या पी का। तो बेसिकली पहले जो अपन हीप को पी में कन्वर्ट कर रहे थे, अपने पास कोई आइडिया नहीं था कि कैसे इंसर्शन होंगे और कैसे डिलीशन होंगे, और इंसर्शन और डिलीशन दोनों मिक्स थे। अपन बोले पी लगा दिया, एच और पी हटा दिया। अब अपना थोड़ा क्लियर हो गया है, अपने को थोड़ी मोर क्लियर पिक्चर मिल चुकी है कि कैसे काम कर रहा है। हीप यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, अपने ने इसको ई ए में करा और उसके बाद इसको पी ई में करा। ई ए में करने के लिए दो डिलीशन करे और यहाँ पर इसको पी में करने के लिए वन इंसर्शन करा राइट। मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऐसे डायग्राम बना के, तुम जाके गीक्स फॉर गीक्स खोल लो अभी अभी, एक बार पॉज करो वीडियो और गीक्स फॉर गीक्स खोलो जाके। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा गीक्स फॉर गीक्स के, तुम्हें जो वेबसाइट यूज़ करते हो उस पर सर्च कर लो, ये ऐसा कोई नहीं समझाएगा। खाली लिख देंगे कि हाँ भाई ये इसको इसमें से माइनस कर दो एलसीएस में और ये आंसर आ जाएगा, और इसको एम माइनस एलसीएस कर दो, एन माइनस एलसीएस कर दो, ये आंसर आ जाएगा। तो कोई बताता नहीं है कंसेप्ट इसके पीछे से कि क्यों ऐसा करने से आंसर आ रहा है। ठीक है, गारंटी दे रहा हूँ मैं, जाके खोल के देख लो गीक्स और गीक्स या कोई भी सोर्स जो जिससे तुम पढ़ते हो। अभी देखो अच्छे आगे क्या हो रहा है। तो अपन इसमें दो डिलीशन और एक इंसर्शन, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, डिलीशन कैसे निकालना है, अपन डिलीशन कैसे निकालना है, अपन डिलीशन निकाल रहे हैं। दो डिलीशन हुए कैसे पता चला, और उसके बाद एक इंसर्शन हुआ कैसे पता चला। ये ए स्ट्रिंग है, ये बी स्ट्रिंग है, ठीक है। ए को बी में कन्वर्ट करना था राइट, ए को बी में कन्वर्ट करना था, ठीक है, ए को बी में कन्वर्ट करना था। बेसिकली अपन ने क्या करा, डिलीशन नंबर ऑफ डिलीशन कैसे पता चल रहा है, नंबर ऑफ डिलीशन कैसे पता चल रहा है, जो इसकी लेंथ है ए की लेंथ माइनस एल सी एस कर देते हैं। अगर अपन ए की लेंथ क्या है चार और एल सी एस की लेंथ क्या है दो, तो चार माइनस टू टू डिलीशन आ जाएंगे। और नंबर ऑफ इंसर्शन कैसे पता चल रहा है, नंबर ऑफ इंसर्शन कैसे पता चल रहा है, इसमें एक इंसर्शन हुआ तो कैसे, अपन क्या कर रहे हैं बी की लेंथ ले रहे हैं, बी की लेंथ माइनस एल सी एस कर देते हैं। बी की लेंथ क्या है थ्री और एल सी एस की लेंथ क्या है टू, तो क्या हो रहा है वन इंसर्शन हो रहा है यहाँ पर। तो बेसिकली अपने आउटपुट में क्या देना था, इंसर्शन देना था, नंबर ऑफ इंसर्शन नंबर ऑफ डिलीशन, जो कि क्या आ जाएंगे ए लेंथ माइनस एल सी एस, बी लेंथ माइनस एल सी एस। और एल सी एस को निकालना तो अपने को आता ही है, एल सी एस को निकालना अगर नहीं आता तो जाके वीडियो देखो टॉप डाउन अप्रोच वाला एल सी एस का राइट, ये वीडियो रिफर कर लो एक बार, एल सी एस एकदम एकदम पक्का कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एल सी एस, उस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद इन सारे वीडियो को देखो। तो बेसिकली अपने को नंबर ऑफ इंसर्शन नंबर ऑफ डिलीशन निकालना था, जो कि फॉर्मूला क्या हो गया, ए लेंथ माइनस एल सी एस, बी लेंथ माइनस एल सी एस। किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ ना, वो लोग क्या सीधे ये फॉर्मूले लिख देते हैं कि हम लोग इंसर्शन ऐसे दे सकते हैं, डिलीशन ऐसे दे सकते हैं, और लोग भी याद कर लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं, आंसर आ जाता है। मैंने जब पहली बार क्वेश्चन को पढ़ा था ना, तो मेरे को बहुत देर तक समझ में नहीं आया था कि इसमें एलसीएस का रोल कहाँ पर है। फिर मैंने बहुत दिमाग लगाया, तो मेरे खुद को समझ में आया कि रोल ऐसे है, अपन स्ट्रिंग को डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर रहे, अपन स्ट्रिंग को एलसीएस के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पहले डिलीशन हो रहा है फिर इंसर्शन हो रहा है। तो बेसिकली जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, गीक्स फॉर गीक्स वगैरह कहीं पर भी नहीं है, मैं हो चुका हूँ, मैं गुजर चुका हूँ इन सब चीज़ों से, ठीक है। तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्योंकि बेसिकली डीपी के लिए अच्छा सोर्स नहीं है कहीं पर भी नेट पे। सो यहाँ पर अब हम लोग कोड वेरिएशन देख लें। कोड वेरिएशन में क्या ही है, मैं क्या समझाऊँ कोड वेरिएशन में, इंसर्शन नंबर ऑफ इंसर्शन निकालना, डिलीशन निकालना, इसकी लेंथ पता होगी, इसकी लेंथ पता होगी, और एलसीएस का तो कोड अपन लिख ही लेंगे। एलसीएस का कोड लिखना मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया, एलसीएस का कोड कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे ऐसा कोड लिखते हैं, उसमें स्ट्रिंग ए दे देंगे, स्ट्रिंग बी दे देंगे, इसकी लेंथ दे देंगे और इसकी लेंथ दे देंगे, एलसीएस निकल के आ जाएगी और एलसीएस माइनस कर देंगे राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, थैंक्स।